भारत को वनडे मैच जीतते ही श्रीलंका के दो खिलाड़ियों की गई जान। कैच को बचाने के चक्कर में श्रीलंका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल में, तो क्या खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो और भी समय लेते हैं, साथ ही दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको बता दो कि कल यानी 15 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच मैच हुआ था, जिसमें श्रीलंका को 317 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 166 रनों की शानदार पारी के बदौलत कोहली ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। दोस्तों टीम इंडिया ने इस मैच को बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में कर लिए। दोस्तों कोहली तीसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए थे और 110 रनों का सामना करते हुए 166 रन बना दिए थे, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। दोस्तों वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नॉन ओपनर बल्लेबाज बन गए। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि भारत की जीत माता में बदल गया। दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से एक चौका लगा, लेकिन दोस्तों चौका रोकने के चक्कर में श्रीलंका के दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए। दोस्तों श्रीलंका के दो खिलाड़ियों को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जान बचना लगभग मुश्किल हो सकता, क्योंकि आपस में टकराने से दोनों खिलाड़ियों की सर पे काफी ज्यादा चोट लगी है। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया में ये दोनों को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है।